हेलो एंड नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल समलिंग मोटो ब्लॉग्स। और आज मेरा टूर रहेगा और ऐसी जगह जो पहाड़ियों के बीचों बीच है, एक वहां से खूबसूरत सा आपको कंचनजंगा का व्यू मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ रांगेरूंग ट्रेकर्स हट का, जो एक खूबसूरत सा होम स्टे है और एक सुंदर सा वातावरण के अंदर में। और आइए आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ पे। रांगेरूंग आने के लिए आपको आना होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से 16 किलोमीटर की दूरी पर है रांगेरूंग। अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, और अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है NGP। वहाँ से आपका लोकल टैक्सी आपको दार्जिलिंग तक पहुँचा देगा। ये है गड्डी खान, ये गड्डी खान बोलते हैं इसे। तो अभी मैं जा रहा हूँ रांगेरूंग की ओर। रांगेरूंग जो 3 माइल के नीचे है, और 3 माइल से फाटक से होकर जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक होम स्टे है, वो भी दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी ठंड पड़ गया है, थोड़ा सा ठंड पड़ गया, अब शुरू होने वाला है दार्जिलिंग में। अभी अक्टूबर लग गया है, अक्टूबर के मिड में है, तो मिड से तो शुरू ही हो जाता है दार्जिलिंग में ठंड। अब मैं वहाँ ले जा रहा हूँ आपको। ये रोक पेशोक रोड है, यहाँ से पेशोक जाते हैं और पेशोक यहाँ से कालिम्पोंग सिक्किम भी जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नीचे टिस्टा में जो पिछली बार फ्लॉट आया था ना, इसलिए रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता टूट गया है। NH10 जाते हैं, यहाँ से NH10 को जाते हैं, तो NH10 ही टूट गया है। तो अभी सिक्किम का रूट डाइवर्ट कर दिया है, कालिम्पोंग भी से जाना पड़ता है सिक्किम। ये है गड्डी खान, ये गड्डी खान बोलते हैं इसे। ये रास्ता बहुत पसंद है मुझे, ये रास्ता दार्जिलिंग का। ये रास्ते में एक सुनसान सड़क है, हाँ अभी फॉरेस्ट के बीचों बीच ये फॉरेस्ट पड़ता है। ये जो भी बाजू अभी ये सब है फॉरेस्ट, एसेंशियल फॉरेस्ट के अंडर में आता है ये। इस तरफ मोड़ना है भाई, ये और तो भाई और का इंडिकेटर देता हूँ। हाँ भाई और मोड़ जाता है। अब यहाँ से ये 3 माइल बाजार है, ये 3 माइल बाजार, यहाँ से सीधा रुक करके जाना होगा। नीचे नीचे ही जाना होगा मुझे। अब मैं चला रांगेरूंग की ओर, यहाँ से रांगेरूंग जाते हैं नीचे। अभी रास्ता बना हुआ है, पहले तो ठीक नहीं था, अभी रास्ता ठीक ही है। रास्ता पूरा ये जंगल को बीचों बीच होके ही जाना पड़ता है। ये भी सिंचल फॉरेस्ट के अंडर ही आता है, ये जो जितना भी फॉरेस्ट है। यहाँ से एक रोड निकलता है, बन रहा है वो रोड, लेकिन बीच में रुक गया, बनते बनते रुक गया। वो रोड निकलता है सीधा हमारे गांव लेबोंग में, सो वो बंद हो गया, लेकिन अभी बनाने बंद हो गए। अभी वो ऐसे ही है, इनकम्प्लीट ही है वो रोड। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर रोड, और फिर ये इसी नीचे की तरफ थोड़ा करके ऐसे करके। यहाँ पे तो जंगली मुर्गी भी मिलता है, इधर जंगली मुर्गी जिससे बहुत अच्छा है ये रोड ना। जंगली मुर्गी देखा
कादित वो मेल था, वो मेल फीमेल और मेल साथ में था, फीमेल पहले था इस बात में मेल कॉक था। इस जगह तो आ जाता है ना वाला, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड सिंस 1876 रंगेरुंग टी स्टेट पीओ सिमकुना थर्ड माइल दार्जिलिंग। तो ये है बोट, टी गार्डन का बोट, यहीं से शुरू होता है टी गार्डन, रंगेरुंग टी गार्डन। झाड़ियाँ दिख रहे हैं, हाँ यहाँ से हेलो व्यूअर्स, मैं अभी रायगंज ट्रेकर शर्ट जो अभी मैंने बोर्ड दिखाया था, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये रूम, ये डबल बेड है। वॉशरूम है, स्टैंडर्ड रूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, ये बाथरूम, ये यहाँ पर गीजर, ये गर्म और ठंड पानी के लिए, और ये टॉयलेट, यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर, और ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है ये रूम। और ये पीछे देखिए, ये खूबसूरत से एक बेम्बू से बनाया हुआ है वॉल में, और यहाँ पे खिड़की, यहाँ खिड़की से आपको अच्छा व्यू मिलता है बाहर का, सामने ही है, बिल्कुल सामने ही है खिड़की, और यहाँ से आपको अच्छा नज़ारा मिलता है। ये बाहर है, ये इधर लेबोंग पड़ता है, और मैं यहाँ पे कॉटेज है ये, यहाँ पर एक फैमिली पैकेज रख सकते हैं, यहाँ फैमिली पैकेज है ये, यहाँ पे चिमनी, ये है चिमनी, ठंड के मौसम में यहाँ पे चिमनी जला सकते हैं आप, यहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है, ये अंदर भी है यहाँ पर। तो ये है डाइनिंग हॉल का किचन, रिसेप्शन भी यही है, और यहाँ पर है डाइनिंग हॉल, बहुत बड़ा है ये, और यहाँ से डाइनिंग करते हुए आपका नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से नज़ारा उस पार का।
कंचनजंगा का व्यू भी दिखता है आपको, जो ये बादल लगा हुआ है ये माखन डाड़ा है, और उसके बाद में वहाँ से फुल रेंज दिखाई देता है प्लेन में। नीचे प्ले ग्राउंड है एंड टी फैक्ट्री है, यहाँ पे टी लगा है। रिसेप्शन और ये है रिसेप्शन, बर्खा मान्छे थियो के भन्छ टुसाउँदै थियो नि त, हजुर हो हजुर बेतको भयो, तर जङ्गलमा सर्भाइभ गर्न सक्छौँ। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये डॉर्मेटरी रूम है। डॉर्मेटरी सब बिस्तर ये जमीन पे ही लगा हुआ है, ये सब बिस्तर ये वुडन होने की वजह से ना यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है यहाँ पे, लेकिन ठंड के लिए बहुत अच्छा है ये रूम। और यहाँ का आप रूम का टैरिफ कैसे है? हमारा यहाँ पे तीन कैटेगरी का रूम है, जैसे आपका ये डॉर्मेट्री हुआ, डॉर्मेट्री में आपका वो फूड लेके एक आदमी का होगा 1100, स्टैंडर्ड रूम है उसमें आपका आपका 1500 फूड लेके, और कॉटेज रूम जो आप देख चुके उसमें आएगा आपका 1700 फॉर वन पर्सन इंक्लूडिंग ऑल थ्री टाइम्स मिल ना जी। और कुछ फैसिलिटीज है आप घूमने के लिए एक्स्ट्रा? आप घूमने के लिए गाड़ी कहाँ से मतलब उसको? देखिए गाड़ी तो आपको गाँव से भी मिल जाएगा, वो खुद अपना गाड़ी लेके भी टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे ठहरेंगे आप एक नाइट ठहरेंगे, सेकेंड डे आप विलेज के लिए वॉक के लिए निकलेंगे दोपहर तक, उसके बाद चाय बागान होगा, चाय बागान का ट्रिप होगा आपका दोपहर से आपका शाम तक, म्यूजिकल प्रोग्राम हम लोग करते हैं लोकल म्यूजिकल प्रोग्राम, आपका ये नीचे एक रिवर है रुंगदुंग रिवर बोल के, वो फुल डे ट्रिप रहेगा यहाँ से आना जाना ले जाते हैं ना आप लोग ही ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोकल गाइड्स रहेगा वहाँ पे, लंच वगैरह हम लोग अरेंजमेंट करते थे, और कोई रात को वहाँ पे ठहरना चाहते हैं तो कैंपिंग का भी उसका भी प्रबंध है जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ होम स्टे का ऑनर उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है मैंने यहाँ से, तो बने रहिए मेरे चैनल में फॉर वॉचिंग। तो ये है रंगेरुंग का फैक्ट्री, टी फैक्ट्री।